जी हाँ, आपने सही सुना है, आर्थिक समस्याओं से घिरे बांग्लादेश के लिए एक अच्छी खबर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश जल्द ही EU का सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक बन जाएगा। अभी तक यह दर्जा चीन के पास था, लेकिन रसिया यूक्रेन युद्ध होने के बाद से यूरोपियन देशों ने चीन पर अपनी निर्भरता घटाने की नीति अपनाई है, जिसका लाभ बांग्लादेश को मिल रहा है। बांग्लादेश की रेडीमेड कपड़ों में हमेशा से ही एक खास पहचान रही है। बांग्लादेश रेडीमेड कपड़ों का एक बहुत बड़ा निर्यातक है। EU की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे H&M, प्रीमार्क, जारा, जी स्टार और मार्क एंड स्पेंसर के वस्त्र बांग्लादेश में ही बनाए जाते हैं। रेडीमेड कपड़ों के उद्योग का बांग्लादेश की GDP में 20% से ज्यादा योगदान है, जबकि निर्यात होने वाली कमाई में इस उद्योग का हिस्सा 80% से भी ज्यादा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2022 के पहले 9 महीने में EU के कपड़ों के उद्योग में बांग्लादेश के निर्यात में 42% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे बांग्लादेश को $19.4 बिलियन की आय हुई है। वहीं इस दौरान चीन का निर्यात 22% बढ़ा है और उसे $25.5 बिलियन की आमदनी हुई है। लेकिन अब पश्चिमी देशों में यह आम ट्रेंड चल रहा है कि चीनी सप्लायरों से निर्भरता घटानी है। वहीं बांग्लादेश उन 45 देशों में से आता है जिन्हें EU के बाजारों में शुल्क मुक्त निर्यात करने की सुविधा मिली हुई है, जिसके तहत हथियार और गोला बारूद को छोड़कर बाकी किसी भी निर्यात पर EU में शुल्क नहीं लिया जाता। वहीं चीन को यह सुविधा प्राप्त नहीं है, जिसकी वजह से चीन के उत्पाद EU में महंगे हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, बांग्लादेश जल्द ही चीन को छोड़ EU का सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक बन जाएगा? आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, और ऐसी और जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल थिंग्स अराउंड यू।